अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। स्वदेशी जागरण मंच ने चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को लेकर पैदल यात्रा किया। शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि एवं भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन एवं अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए चीनी उत्पाद का बहिष्कार किया। अपने कार्यालय से विशाल रैली निकालकर बिग बाजार होते हुए कुंवर सिंह चौक गई, जहां 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद लौटते वक्त रैली एक आम सभा में तब्दील हो गई, जहां वक्ताओं ने चीन की शत्रुतापूर्ण व्यवहार, धोखा एवं घिनौनी हरकतों की खुलकर निंदा की। देवघर से अवनीश की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने एक रैली निकाली जो कि कुंवर सिंह जी चौक होते हुए पुनः टावर चौक पर आकर के एक सभा में तब्दील हो गई। हमने लोगों से आग्रह किया, स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों से विनम्र आग्रह किया कि वे चाइना की कायरानापुर हरकत और शहीद सैनिकों का बदला लेने के लिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। कि हमारे देश के निर्दोष सिपाही जो हमारी बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे होते हैं, आज उनको निर्दयी पूर्वक हमारे चाइना के सैनिकों द्वारा 20 सैनिक को मौत की घाट उतार दिया गया। आज उसके खिलाफ में हमारे देवघर स्वदेशी जागरण मंच इकाई की ओर से हम लोगों ने एक मैसेज देने का काम किया तथा हमारे देवघर में बहिष्कार करें और सबके पास ये संदेश जरूर पहुंच जाए कि चाइनीज लाइट हो, चाइनीज का कोई भी सामान हो, बिल्कुल ना रखे घर में, सब जला दे ना खरीदे और ना खरीदे, चाइनीज लाइट को एकदम बहिष्कार करें। 130 करोड़ भारतीयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी हाल में चाइना के द्वारा जो कायराना हमला हमारे वीर शहीदों पर किया गया, जो हमारे वीर शहीद हुए, इसमें करीबन 20 से अधिक की संख्या में ये कायराना हमला, 130 करोड़ भारतीय इसकी पूरी घोर निंदा करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।